देश के सबसे स्वच्छ शहर को सबसे स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में 19 और 20 मई को इंदौर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस स्वास्थ्य मेले में गंभीर बीमारियों की जांच के साथ ही हेल्थ आईडी व आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस मेले की तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के 4 ब्लॉक में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। इन स्वास्थ्य मेले में जो बीमारी ग्रसित मिले हैं उनकी जाँच व उपचार के लिए 19 और 20 मई को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में वृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों जिले के 4 ब्लॉक में स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर आयोजित किए गए थे। इनमें जो गंभीर मरीज मिले थे उनके इंदौर के मेले में फिर से जांच कर उपचार किया जाएगा। इस जांच के साथ सभी का हेल्थ आईडी कार्ड व आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। हमारे पास अभी जो स्वास्थ्य मेले लगे थे ब्लॉक स्तर के पहले लगे थे हमारे 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो अलग अलग चारों ब्लॉक में लगे थे और वहाँ पर जो गंभीर बीमारी या जो भी लक्षण वाले बीमारी के पेशेंट के मिले थे उनको वहाँ पर चिन्हांकित किए गए हैं और चिन्हांकित करने के बाद उनको रेफरल स्लिप दी गई है। तो वही पेशेंट अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारा कैंप 19 और 20 अभी मई को लगने वाला है वो जो कि नेहरू स्टेडियम में लगेगा 19 और 20 तारीख को, और वहाँ पर जो गंभीर बीमारियाँ जैसे कुछ भी हो कैंसर का हो डायबिटीज हो हाइपरटेंशन हो या कोई ऐसे गंभीर बीमारी वाले जो है जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है या कोई कार्डियक हार्ट की डिजीज के है या किडनी डिजीज कोई भी ऐसे गंभीर बीमारी के हैं तो वो पेशेंट को वहाँ पर चिन्हांकित करेंगे, पूरा स्क्रीनिंग होगा और आगे को उनको जो फैसिलिटी देना है जो उनको सुविधा देना है वो वहाँ पर उनको बता दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे पास हेल्थ आईडी भी बनेगी। हेल्थ आईडी में ये रहेगा कि जो भी हर आदमी को अपना हेल्थ आईडी बनाना ज़रूरी है और बना लेंगे तो उसमें क्या है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेंगे और वहाँ पर हेल्थ आईडी हमारे कम से कम 40 CHOs वगैरह और दूसरे कर्मचारी रहेंगे तो एक साथ लार्ज स्केल पर हमारा हेल्थ आईडी बनेगा। साथ में हमारे आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे, वहाँ पर उनकी सुविधा भी रहेगी। जितने भी रेफरल पेशेंट रहेंगे उनको चिन्हांकित करके जो उनको गाइडलाइन के हिसाब से उनको जो बताना है वो देंगे। कैंसर के पेशेंट अगर आते हैं तो वो क्योंकि हमारे जो कॉमन कैंसर है वो अभी देखे जाए तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर है, मुंह का कैंसर ज़्यादा है और सर्वाइकल कैंसर के ज़्यादा केसेस है तो उसकी सुविधा भी वहाँ पर रहेगी। इस तरह से हमारे सारे केसेस हमारे वहाँ पर आ जाएंगे और 2 दिन का शिविर यही है 19 और 20 मई को। स्वास्थ्य मेले के लिए विभाग ने लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। मेले के मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी वितरित की जाएंगी।